नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। मैं हूं सैन और आप देख रहे हैं मन की आवाज़ न्यूज़। आइए हम बताते हैं आपको, मंडार क्षेत्र के ड्राइवरों ने, जिसमें टैक्सी यूनियन ओम अली और दूसरे सभी जो ड्राइवर हैं, उन्होंने मिलकर उस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। हमने टैक्सी यूनियन के लीडर शकूर खान से बात की, क्या कहा आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। साथ में टैक्सी यूनियन के सदस्य और टैक्सी यूनियन के लीडर हैं शकूर भाई। शकूर भाई, किस लिए ये हंगामा बरपा हुआ और क्या हंगामा है? ये ऐसा है, पहले तो मैं आपका टैक्सी यूनियन की तरफ से स्वागत करना चाहूँगा। और जो केंद्र सरकार ने, श्री गृह मंत्री अमित शाह जी ने और ये जो कानून बनाया है ड्राइवरों के लिए, कि अगर कहीं पर ड्राइवर कभी भी जान के तो कोई एक्सीडेंट करता ही नहीं है, अगर बाई दी एक्सीडेंट उससे हो गया तो उन्होंने ये निर्णय निकाला है कि उसको हॉस्पिटल ले या कहीं भी उसको लेके ही जाना पड़ेगा। अब वो लेने के लिए वहाँ रुक जाता है, क्या पब्लिक उसको छोड़ेगी? क्या पब्लिक उसको छोड़ेगी? पब्लिक उसको मारेगी या तो खत्म नहीं करते? तो उसके विरोध में आप ज्ञापन दे रहे हैं? बात गलत है क्या? सही है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार, श्री मां कूट दसदार महोदय मंडा, हमारे मार्गदर्शियों पे वापस लेने के बावजूद भारत सरकार ने कोई नियम कार्यक्रम बनाओ वापस लेवा रूपये ज्ञापन दिए। उपरोक्त विषय अंतर्गत समस्त वाहन चलाकर ओम अली टैक्सी यूनियन रजिस्ट्रेशन नंबर 215 एवं समस्त ग्रामवासी मंडा तहसील रेवदत जिला सिरोही राजस्थान का नम्र निवेदन है कि निम्न प्रकार से यह कि भारत सरकार ने वाहन चालकों के लिए जो कानून लागू किया है, उसे दुर्घटना होने के बाद यदि चालक को द्वारा घायल को इलाज के लिए अस्पताल नहीं ले जाता है तो ड्राइवर को 10 वर्ष की सजा एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है। सरकार की ओर से चालकों के खिलाफ इस प्रकार का नियम बनाना सरासर गलत है, क्योंकि रोड पर सड़क दुर्घटना कोई जानबूझकर नहीं करता है और ऐसी दुर्घटना अनजान में हो जाती है। यदि जिस चालक ने से रोड दुर्घटना हुई है वह मौके पर रुक भी जाता है तो उसकी गुस्सा ही पब्लिक उसकी भुनाई कर दे, जान से खत्म कर देता है, कर सकती है। इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए चालक को मजबूरी से घटनास्थल से को छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन सरकार इस द्वारा इस प्रकार की सड़क दुर्घटना के बाद मौके से फरार होने पर चालक के खिलाफ 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान करना न्यायालय स्थित नहीं है। हम सभी वाहन चालकों की सरकार से मांग करते हुए इस प्रकार के कानून वापस लेने की मांग करते हैं। यदि नंबर दे यह कि केंद्र सरकार की ओर से पारित कानून को विरोध में टैक्सी वाहन, निजी वाहन, ऑटो रिक्शा चालक में रोष है। इस कानून से सजा व जुर्माना का जो प्रावधान किया है वह न्याय नहीं है।
इससे आहत होकर कालालक अपनी नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। बेरोजगार होने का डर सता रहा है। इससे वाहन चालक को परिवार पर भारी संकट आ सकता है। कोई वाहन चालक दुर्घटना होने पर घायलों को तुरंत अस्पताल तक पहुंचाकर मानव सेवा के कल्याण का कार्य करते आ रहे हैं, मगर उसे अपराध भी सरकार द्वारा चालकों को में भय और डर का वातावरण पैदा कर न्याय संगत कानून लागू करने से वाहन चालकों को में भारी रोष है। व्याप्त इससे इस कानून को सरकार वापस ले, अन्यथा आंदोलन के साथ नीति धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धन्यवाद। बेटा आज खड़े बाबे हो गए वोट है। आदमी कोई भी कंफर्म वे तो हम थोड़ी मजाक में कोई मजाक कर रहा है। मजाक थोड़ी है, मजाक थोड़ी है। और बंदा क्या बोल रहा है? अरे नहीं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।